हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और मैं पिछले 46 ईयर से अपने क्लिनिक पर सेक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट्स का आयुर्वेद पद्धति के द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक तथा बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट करता आ रहा हूँ। मेरे बहुत से व्यूअर्स और मोस्टली वो यंगस्टर्स होते हैं जो मुझे मास्टरबेशन तथा नाइटफॉल के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और मुझे ये कंप्लेंट भी करते हैं कि जब से हमने मास्टरबेशन शुरू की है या हमें नाइटफॉल हो रहा है तब से हमारे चेहरे पर लाली ना रहना, गाल अंदर धंस जाना, भूख ना लगना, खाया पिया ना पचना, सेहत ना बनना, वजन ना बढ़ना, सुस्ती, कमजोरी, हाथ पाँव का सोना आदि सिम्टम्स हमें शुरू हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे नाइटफॉल और मास्टरबेशन के बारे में। तो मैं इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनसे आपके माइंड में मास्टरबेशन तथा नाइटफॉल से रिलेटेड जो भी कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर वन, मास्टरबेशन इज नॉट ए डिसीज, इट्स ए हैबिट। मास्टरबेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। मास्टरबेशन जो है अच्छी आदत है या बुरी आदत है, ये डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारा फ्रेंड सर्कल पर। हम अपने फ्रेंड सर्कल से किस टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, कौन सा सोशल मीडिया या कौन सा प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी पॉर्न्स देखते हैं, कौन सी वेब सीरीज़ देखते हैं जिनसे हमें मास्टरबेशन करने के लिए थोड़ी बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट है कि मेरे पास कुछ एक जो यंगस्टर हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो वीर्य है वो 100 बूंद खून से एक बूंद वीरज की बनती है। ये टोटली बुलशिट स्टेटमेंट है, इसका कोई वजूद नहीं, इसका कोई बेस नहीं है। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। जो हम खाते हैं उसका रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से फिर मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि और अस्थि से शुक्र बनता है। अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं करनी, यानी कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो जो शुक्र है इसको मल के रूप में देखा जाता है, ये 7वीं धातु है। मगर बहुत से वैद्य, हकीम, डॉक्टर और इवन लेमैन जो इस शुक्र को ओज समझ लेते हैं, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में एक 8वीं धातु का भी विधान है, फिर उसका वर्णन आता है। ओज जो है वो हमारी 8वीं धातु है। ओज इज द एसेंस ऑफ ऑल दीज 7 धातुज इंक्लूडिंग शुक्र, मतलब वो इन 7 धातुओं का निचोड़ है। और जब हम शुक्र को ओज समझ लेते हैं तो हम समझते हैं कि शरीर में से जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो रही है। हमारे शरीर की जो मेन, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है या हमारे शरीर की जो मेन पावर है जो हमें डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करती है, वो हमारी स्लो हो रही है, वो हमारी कम हो रही है। तो इसी से बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट्स के माइंड में या यंगस्टर के माइंड में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम ये मास्टरबेशन करते रहे या नाइटफॉल करते रहे तो हमारे अंदर सीमन जो है उसकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एक हेल्दी पर्सन है वो अपने अंदर 170 ड्रॉप्स अप्रॉक्सीमेटली 170 बूंद से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। और जो हमारा वीरज है या शुक्र है ये बनता है प्रोडक्शन वर्सेस यूटिलाइजेशन के बेस पर। मसलन एग्जांपल कि जितना आप यूटिलाइज कर रहे हो, जितना आप सीमन बाहर निकाल रहे हो या वीरज बाहर निकाल रहे हो, उतना वीरज जो है 48 to 72 आवर्स आपकी बॉडी के अंदर फिर बनकर स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर चाहो भी तो आप अपनी बॉडी के अंदर फ्यूचर के लिए सीमन को स्टोर करके नहीं रख सकते। और जिस तरह से पसीना है, जितना आप निकालोगे उतना और बनता जाएगा, सेम थिंग इज विद योर शुक्र और सीमन। सीमन में 4 कंटेंट्स होते हैं। नंबर 1 स्पर्म्स, दैट इज लेस देन 1%। दूसरा होता है सेमिनल फ्लूड, तीसरा होता है प्रोस्टेटिक फ्लूड और चौथा होता है काउपर ग्लैंड फ्लूड। तो ये इसको मल के रूप में देखना चाहिए, इसको ओज के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये ओज नहीं है। बहुत से यंगस्टर मुझे पूछते हैं कि किस एज में मास्टरबेशन शुरू करनी चाहिए।
तो जो आपको यह सुन के हैरानगी होगी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 साल की उम्र के बाद बच्चा जो है वो अपने लिंग को टच करना शुरू कर देता है और उसे एरोटिक फीलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है। वो उसको टच करने के बाद एक बहुत ही अच्छा अनुभव करता है। तो 4 साल की उम्र के बाद बच्चा जो है वो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरबेशन। उसके बाद आता है कि क्या मास्टरबेशन को कोई साइड इफेक्ट्स हैं? तो यस, मास्टरबेशन जो है 3 तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल मास्टरबेशन, दूसरी होती है एक्सेसिव मास्टरबेशन, तीसरी होती है कंपल्सिव मास्टरबेशन। इनमें से जो नॉर्मल मास्टरबेशन है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ए गुड हैबिट। उसके बाद जो एक्सेसिव मास्टरबेशन या कंपल्सिव मास्टरबेशन है, उसके लिए अगर वो कोई पेशेंट जो है उसको एक्सेसिवली प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए उसकी मैरिड लाइफ में जाने पर उसे प्रीमैच्योर एजुकेशन और पूर इरेक्शन, ये 2 तकलीफें हो सकती हैं जिनका वो ट्रीटमेंट आसानी से ले सकता है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये जो मास्टरबेशन है ये ट्रीटेबल है? तो यस, आयुर्वेद के मुताबिक हम जिन लोगों में एक्सेसिव मास्टरबेशन या कंपल्सिव मास्टरबेशन होती है, उन लोगों में जो सेक्सुअल अर्ज, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज जो उनके अंदर पैदा होती हैं, उनको शांत करने के लिए हमारे पास रसायन और शामक द्रव्य होते हैं जो पेशेंट के गुण, दोष, धातु तथा प्रकृति के हिसाब से सिलेक्ट करके उसको दिए जाते हैं और उससे जो उसकी एक्सेसिव मास्टरबेशन की आदत है या कंपल्सिव मास्टरबेशन की जो आदत है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अब टेक होम मैसेज यही है कि मास्टरबेशन इज़ नॉट ए डिसीज। नंबर 2, अगर आप चाहो भी तो आप अपने सीमन को स्टोर करके नहीं रख सकते। नंबर 3, सीमन या शुक्र जो है वो ओज नहीं है। ओज जो है वो हमारे शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म है और वो इन दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल दीज धातु, जो 7 धातुएं हैं वो उनका निचोड़ है। तो दूसरी बात ये है कि क्या मास्टरबेशन करने से पेशेंट जो है वीक हो जाएगा? ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर शादी के बाद एक न्यूली मैरिड पर्सन जो है वो कमज़ोर हो सकता है तो फिर तो मास्टरबेशन से भी हो जाएगा, क्योंकि अगर 20 साल की उम्र के बाद कोई भी शादी कर सकता है इंडियन पिनल कोड के मुताबिक, तो अगर किसी की शादी आज मान लो 20 साल की उम्र के बाद हो जाती है तो वो तो अपनी वाइफ को रोज़ विज़िट करेगा या 1-2 दिन छोड़ के विज़िट करेगा या हफ्ते में 10 बार विज़िट करेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है शादी से पहले कमज़ोर होते हैं मगर शादी के बाद उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? जिस चीज़ को वो पहले पाप समझते थे उसी को बाद में वो पुण्य समझना शुरू कर देते हैं कि दैट्स अवर ड्यूटी। जो हम अपनी वाइफ के साथ सीमन को यूटिलाइज कर रहे हैं ये हमारा एक ड्यूटी है और ड्यूटी में हम बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इस धारणा के साथ उनकी सेहत जो है बजाय कम होने के बहुत अच्छी हो जाती है। तो लॉस ऑफ सीमन नेवर कॉजेज वीकनेस, ये एक स्लोगन अपने पास रखना चाहिए। 2003 और 2002 के बीच में एक एड्स डे पर एक स्लोगन रेस कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें फर्स्ट प्राइज जिस जो स्लोगन को मिला था कि डू मास्टरबेशन एंड प्रिवेंट एड्स, मतलब हाथ से करो और एड्स भगाओ। जो काम आप पैसे देके किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाके या किसी अदर देन योर लाइफ पार्टनर के छोड़ के किसी दूसरे के पास जाके वहाँ पैसे दे के आप इंटरकोर्स करने के बाद वहाँ से एड्स लेते हो, उसी काम को आप घर में हाथ से कर सकते हो और आपको एड्स भी नहीं होगी। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाली नॉलेजेबल वीडियोज़ आपका जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सर्वे संतु निरामया।